नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग हैंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल लॉज डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से लॉज हैं। एक्ट्स एंड पॉलिसीज देखेंगे हम इन शॉर्ट। सबसे पहले देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 72, इसकी ईयर भी देख लीजिए, कुछ कुछ एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेता है कब कौन सा हुआ। इसमें देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव मेड प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया एक वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की है कि हमको एनवायरमेंट का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये बात कही गई है ये हम आगे देखेंगे। दूसरी डेट इम्पॉर्टेंट देखिए कि हमने 5 जून 1972 को क्या हुआ था कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट हुई थी स्टॉकहोम में, एक जगह है, और उसी दिन के कारण 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। बस इसी एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया 1972 में। उसके बाद वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में, एंड फाइनली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक अम्ब्रेला एक्ट पास किया 1986 में। तो ये सारे एक्ट्स यूपीएससी के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात की थी, तो देखिए ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51G। 48A क्या बोलता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री को सेफ रखने की पूरी कोशिश करेगा। ये 48A मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हिंदी में हम कहते हैं उसका पार्ट है। दूसरा पार्ट देखिए 51AG, 51AG या आर्टिकल 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, और इसमें एक ड्यूटी हम सभी सिटीजन के लिए निर्धारित की गई है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मतलब ये हमारी, हम सभी की ड्यूटी है कि हमको नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि किससे मिलकर बना है, फॉरेस्ट जंगल से, झीलों से, नदियों से, वाइल्ड लाइफ से, इनको, इनका प्रोटेक्ट करना है, और साथ में हमको अपने जीव जंतुओं के लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए करुणा की भावना, कंपैशनेट होना है। तो देखिए ये एक तरीके से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो एथिक्स पेपर 4 से भी रिलेट हो गया कि कंपैशन तो हमारे आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका फीचर्स देखते हैं। ये देखिए, देखिए मैंने सारा कवर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ वर्बोस है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है और उसी को हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क टू इंश्योर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब कि एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया गया है जिससे कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का एक लेखा जोखा तैयार किया जा सके। फिर इस एक्ट को अमेंड किया गया है 1982 में, 86 में, 1991 में, 1993 में। अब बात आती है कि एक्ट को पास क्यों किया गया, क्या रीजन था कि हमको एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी। तो एक तो रीजन ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की गई है। दूसरा रीजन, दूसरे बाकी रीजन देखिए, रैपिड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बर्ड्स। मतलब कि इंडिया जो है वो वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स और दूसरे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में धनी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इनका हनन होने लगा, इसलिए हमने ये बनाया, एक्ट बनाया। अगला रीजन है,
एरियाज विच वर वंस टीमिंग विद वाइल्ड लाइफ हैव बिकम डिवॉइड ऑफ इट एंड इवन इन सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू वाइल्ड लाइफ नीड्स टू बी इम्प्रूव. मतलब कि जो कभी बहुत रिच हुआ करते थे जिन्हें वाइल्ड लाइफ शेर भालू और भी दूसरे क्रिएचर्स जो हैं उनमें आसानी से घूमा करते थे वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया. नेक्स्ट इज द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1935 हैज बिकम कंप्लीटली आउटडेटेड. जो 1935 में जो एक्ट बना हुआ था वो अब उसका रिलेवेंस खत्म हो चुका था, इसलिए हमने नया एक्ट बनाया. आगे देखते हैं इस एक्ट के सेलियंट फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी महत्वपूर्ण चीजें हम इस एक्ट के देखते हैं. सबसे पहले तो ये देखिए कि अमेंडमेंट्स हमने देखा कि कब कब अमेंड हुआ है. इसमें 7 चैप्टर्स 66 सेक्शंस एंड 6 शेड्यूल्स हैं, 7 अध्याय 66 पार्ट और 6 शेड्यूल इस एक्ट में है. इस एक्ट में आगे देखिए कि 1-5 का जो शेड्यूल में जो एनिमल रखे गए हैं उनको क्या कैसे लिस्ट किया गया है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ इनलिस्टेड इन देम. मतलब कि जो ज्यादा रिस्की है उनको शेड्यूल 1 में, जो कम रिस्की है उसको शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में, ऐसे करके शेड्यूल डिसाइड किए गए हैं. फिर शेड्यूल 6 में जिनको रखा गया है उनको प्लांट स्पीसीज को रखा गया है. ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिर्फ इसमें वाइल्ड लाइफ फौना मतलब कि एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है. शेड्यूल 6 में प्लांट स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट किया गया है और अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा. नेक्स्ट है अमेंडमेंट एक्ट 1991 में क्या दूसरी चीज क्या की गई है कि पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन विथड्रॉन ऑलमोस्ट टोटली. स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर निरस्त कर दी गई है. क्यों? नाउ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी एनिमल अ वर्मिन. वर्मिन का मतलब ये होता है कि जो प्रोटेक्टेड नहीं है अब आप उनको मार सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, वो कुछ छूट रहती है इन सब चीजों में. फिर साथ में क्या किया गया है कि फर्दर बाय एडिशन ऑफ प्रोविजन इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम नेशनल पार्क और सेंचुरी हैज मेड कंपल्सरी. मतलब कि लाइव स्टॉक जो है पशुधन है उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है 1991 में. और कितने तक के पशुधन, कि जो नेशनल पार्क और सेंचुरी से 5 किलोमीटर दूर में जितने भी पशुधन आते हैं, लाइव स्टॉक आते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब पशुधन है, भेड़ हो गए, उनको भी प्रोटेक्शन हमको देना है. ठीक है दोस्तों, तो ये था वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इसके हमने सेलियंट फीचर वगैरह देखे. आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसमें देखिए कि इट इज अ मोर इफेक्टिव एंड बोल्ड मेजर टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. मतलब कि कुछ और इसमें प्रोविजन प्रोवाइड किए गए जिससे कि ये और इफेक्टिव हुआ. और इसका जेनेसिस भी, जेनेसिस मतलब इसकी जो इसका जिसके कारण ये बना, जिसका ओरिजिन जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी 48A DPSP मैंने आपको बताया, 51G फंडामेंटल ड्यूटीज से हुआ. मतलब इन दोनों को आधार मानकर ही हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986. इसके बारे में और देखते हैं. ये देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज 26 सेक्शन, 26 सेक्शन है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में 66 सेक्शन थे, यहाँ 26 सेक्शन है. और 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया, उसमें 7 चैप्टर थे, इसमें 4 चैप्टर हैं. पहला प्रिलिमिनरीज, सेकंड जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड फोर्थ इज मिसलेनियस. तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्लासिफिकेशन है. आगे देखते हैं, आगे इसमें अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ डिटेल में मुझे लगता है कि जाने की जरूरत नहीं है. बस हमको इसका ईयर याद होना चाहिए और चैप्टर्स वगैरह क्लासिफिकेशन देख लिए. नेक्स्ट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. इसमें देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, टू इंश्योर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इंक्लूडिंग एटमोस्फेरिक इक्विलिब्रियम विच आर वाइटल फॉर सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट. इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमको जो है वो एनवायरमेंट में एक सस्टेनेबिलिटी लानी है. सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि
जो डेवलपमेंट वगैरह है वो बैलेंस्ड हो, एनवायरनमेंट का दोहन नहीं करना है और एटमोस्फेरिक इक्विलिब्रियम लाना है, जिसमें कि सब सारे लाइफ फॉर्म, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट सब को बराबर का प्रोटेक्शन मिले, फॉरेस्ट वगैरह में सबका एक अधिकार जो बराबर का अधिकार हो, इसका मतलब ये है। ऑब्जेक्टिव देखिए इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। यही जो हमने देखा कि एनवायरमेंट स्टेबल बना रहे, ये नहीं अगर एनवायरमेंट स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, कभी बहुत गर्मी होगी, कभी बहुत धूप होगी, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। साथ में हमको क्या करना है कि प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है कि अगर ऋतुएं, तीन ऋतुएं हैं तो तीनों ऋतुएं प्रॉपर तरीके से हों, ऐसा ना हो कि बरसात में कहीं एक जगह बरसात ज्यादा हो रही है। हालांकि क्लाइमेट फैक्टर इनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में एनवायरमेंट का अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज वगैरह होता ही है। नेक्स्ट इज कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री बाय प्रिजर्विंग द रिमेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट विद द वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब कि नेचुरल हेरिटेज जो हमारा है, हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, उनको हमको प्रिजर्व करके रखना है। जो भी बचे हुए पशु और पक्षी और पौधे, पेड़ पौधे हैं, उनको प्रिजर्व करना है ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को ये गिफ्ट दे सकें। नेक्स्ट इज चेकिंग सॉइल इरोजन एंड डिनुडेशन। ये देखिए कैचमेंट एरिया में जो मृदा अपक्षण होता है उसके कारण बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज चेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डिजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान अलोंग कोस्टल ट्रैक्स। मतलब कि जो सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स अगर आप पढ़ेंगे तो रेगिस्तान में हवा के चलने के कारण बहुत ढेर इकट्ठा हो जाता है रेत का, उसको ड्यून्स बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये कोस्टल एरिया में भी पहुंच रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए हमको फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी द फॉरेस्ट ट्रीज कवर इन द कंट्री। मतलब ओवरऑल फॉरेस्ट कवर कंट्री का हमको बढ़ाना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती ही है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। नेक्स्ट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, वुड, फॉडर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल टिम्बर ऑफ द रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन होती है उनको आजीविका के लिए, ईंधन के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है, अपने गाय गाय भैंसों के लिए चारा चाहिए, फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी चाहिए, जैसे कि तेंदू के पत्ते हो गए, ठीक है, महुआ हो गया, ये सब चीजें हो गई जिनसे उनकी जीविका चलती है, तो इसको भी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट एसेंशियल नेशनल नीड्स। मतलब जो भी नेशनल नीड्स है जो फॉरेस्ट से पूरी हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंपल रबर बताऊं, रबर की जरूरत होती है तो रबर के पेड़ लगाना है, साल का पौधा हो गया जिससे कि पूरा फर्नीचर वगैरह सब चलता है, तो फर्नीचर इंडस्ट्री, तो इसलिए इनका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। इंकरेजिंग एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मैक्सिमाइजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड। मतलब कि हम जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका एफिशियंट यूटिलाइजेशन करें, ये नहीं कि अंधाधुंध तरीके से जैसा भी मन करे वैसा भी यूटिलाइज करें, ऐसा नहीं करना है। और हमको देखना है कि लकड़ी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी की बात हो रही है तो ऐसी ही सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल्स मूवमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। मतलब कि ये एक बॉटम अप अप्रोच हुई कि लोगों को जागरूक बनाना है जिससे कि जो प्रेशर है फॉरेस्ट पे वो कम किया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये देखिए इट इज द वन ऑफ इंडियाज अटेम्प्ट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव एनलिस्ट इन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, सीबीडी जो साइन हुआ था 1992 में, उसके तहत हमने जो ये एक्ट बनाया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसका एक पार्ट है, ठीक है। और अभी सीबीडी क्या होता है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये याद रखिएगा, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002।
कभी कभी एग्जाम में क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा एक्ट आया, तो इसलिए हमको ये भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव देखिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है विभिन्नता, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जो विभिन्न तरीके के पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, इंसेक्ट्स हैं, जलीय पशु हैं, ये सब मिलके बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। जलीय पशु में भी मछलियां हैं उसमें, और कितने तरीके के ऑक्टोपस हो गए, उसी के अंदर जलीय पौधे हो गए, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है। फ्लड फ्लड प्लेन्स हो गया, वेटलैंड्स हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, डेल्टा वगैरह हो गया, वहाँ का सब कुछ जो जीव जंतु है वो कंप्लीट मिलके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाता है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट के सस्टेनेबल यूज करना है हमको, दोहन उनका माइंडलेस तरीके से नहीं करना है कि बस एक जितना अवेलेबल है पूरा यूज कर लो, दूसरे दिन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे ना। नेक्स्ट इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो सब उसका यूज करने से जो बेनिफिट होता है वो सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि रिसोर्स किसी एक पर, कोई जिसके पास ज्यादा शक्ति है उस पर कॉन्सेंट्रेट रहे। मान लीजिए कि अब जैसे गैस का ही जो उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम गैस वगैरह, तो वो तो बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए, नॉमिनल कॉस्ट में लोगों तक अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। नेक्स्ट इज इस एक्ट में थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाया गया है। थ्री टीयर मतलब तीन लेवल में अथॉरिटी होगी। सबसे पहली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेकेंड इज स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी। तो ये तीन लेवल का थ्री टीयर सिस्टम इस एक्ट में बना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट देखिए, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट शॉर्ट में FRA भी बोलते हैं। 2006 में ये एक्ट बना, ठीक है। अब ये क्या करता है, किस लिए बनाया गया है? फॉर द रेस्टिट्यूट ऑफ द डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग बोथ इंडिविजुअल राइट्स टू कल्टिवेट लैंड इन फॉरेस्ट लैंड एंड कम्युनिटी राइट्स ओवर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसको समझिए कि जो ट्राइबल लोग होते हैं उनका तो सब कुछ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ही उनकी पूरी दुनिया है, तो उसको उन सेक्शन को बचाने के लिए, उनके इंडिविजुअल राइट साथ ही साथ कम्युनिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिविजुअल राइट के अंदर क्या है, ताकि वो लैंड को कल्टीवेट कर सके और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को बचा सके, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। द एक्ट इज सिग्निफिकेंट एज इट प्रोवाइड्स स्कोप एंड हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड राइट ऑफ द पीपल। ये देखिए क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो जैसे जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, वो ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने इंडिजीनियस लोग हैं, तो उनको हम वापस एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप नेचर से, प्रकृति से जुड़ सकते हैं इस एक्ट के द्वारा। अब आगे देखिए कि इसके सेलियंट फीचर क्या है, महत्वपूर्ण इसके विशेष फीचर्स हैं। सबसे पहले नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा ये एजेंसी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो हो सकता है कि हमको ऐसा लगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट कर रही है एंड क्लाइमेट चेंज, बट ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है। द एक्ट इज अप्लीकेबल फॉर ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलिंग कम्युनिटीज। मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया की कम्युनिटीज हो गई, भील, गोंड, ऐसी कम्युनिटीज जो हो गई, और फॉरेस्ट ड्यूलिंग कम्युनिटीज हो गई जैसे उसकी अंडमान वगैरह की जवारा, सेंटलीज, जरावा, सेंटलीज, ये सब कम्युनिटीज हो गई, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनका जो फॉरेस्ट राइट है वो प्रोटेक्ट करना है। फिर इसमें देखिए द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिकॉग्निशन राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड इज 4 हेक्टेयर। मतलब 4 हेक्टेयर तक की लैंड को ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। फिर अगर नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं तो वो उनको भी इस एक्ट के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वहां पे इनका राइट प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वहां पर भी इनका राइट प्रोटेक्ट किया गया है। द एक्ट
recognize the right of ownership access to collect, use and dispose of minor forest produce which have been traditionally collected within or outside village boundaries. इसका मतलब समझिए कि जो प्राचीन काल में जो लोग कलेक्ट करते थे जो भी चीजें और उसका यूज करते थे उसको इस अभी इस एक्ट के द्वारा ये माना गया है कि हाँ वो लोग वो चीजें कलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी हुआ, कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैंने जैसे बताया था महुआ हुआ, इस तरीके की चीजें ये लोग कलेक्ट करके यूज कर सकते हैं. फिर द एक्ट हैज डिफाइंड द टर्म माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है देखिए क्या क्या होता है, बैम्बू हो गया, ब्रश हो गया, वुड हो गया, स्टम्स हो गया, केन यानी गन्ना हो गया, तुसार हो गया, कोकून हो गया, हनी, शहद हो गया, वैक्स हो गया, मोम, लाख, टेंडू, खेंडू, ये सब चीजें ये लोग ले सकते हैं. हर्ब्स हो गई, रूट्स हो गई, ट्यूबर्स, ट्यूबर जैसे कि आलू पोटैटो एक ट्यूबर्स हुआ, मेडिसिनल प्लांट्स है. तो ये इनमें ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि आप नेशनल पार्क में जाके ये सब क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि नेशनल पार्क सेंचुरीज में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है लेकिन ट्राइबल्स के लिए नहीं, क्योंकि ये राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उनको एनेबल करता है कि वो ये सब यूज कर सकें. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. कोस्टल रेगुलेशन जोन में CRZ, ये भी इम्पोर्टेंट है और अभी अभी तो ये और इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है. हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं भारतमाला, सागरमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट जिसमें कि कोस्टल एरिया को डेवलप कर रहे हैं, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं. तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये होता क्या है कोस्टल रेगुलेशन जोन. ये जोन होता है कि स्ट्रेचेज ऑफ सीज, बेस, एस्टुरीज, क्रीक, रिवर एंड बैक वाटर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल एक्शन अप टू 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन एंड द लैंड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन आर डिक्लेयर्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन. सिंपल सा मतलब समझिए कि जहाँ पे समुद्र है, समुद्र का एरिया कौन कौन सा हो सकता है, या तो समुद्र होगा, बेस हो गया जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी, एस्चुरीज हो गया जैसे कि नर्मदा और ताप्ती की नदियां एस्चुरी बनाती हैं, क्रीक हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए, बैक वाटर्स हो गए, इनके से इस एरिया के 500 मीटर आगे तक का जो एरिया है उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन कहते हैं. 1991 में ये ऐसा एक्ट लाया गया था और चार तरीके के होते हैं. मैंने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन आपको बता दूं कि अलग अलग हैं कि CRZ1, CRZ2, CRZ3, CRZ4, जिसमें कि कुछ कुछ जैसे CRZ3 में देखिए नो डेवलपमेंट जोन, 200 मीटर तक हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते. ऐसे ही CRZ4 में कुछ कुछ डेवलपमेंट किया जा सकता है लेकिन कुछ है चीजें जो नहीं. तो अगर आपको लगता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010. अब वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमेशा जो लैंड है वो गीला बना रहता है, इसका सिंपल सा मतलब हम इसके नाम से समझ सकते हैं. अब इसको कौन सी एजेंसी देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ये वेटलैंड को डिफाइन करती है. ये देखिए जैसे मैंने बताया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट करती है, ठीक है. साथ में इस रूल्स में क्या स्पेसिफाई किया गया है, जो भी वेटलैंड के लिए हार्मफुल होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट हो गया, ये सब चीज प्रोहिबिट होगा. नेक्स्ट है अदर एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग एंड ड्रेजिंग मे बी कैरिड आउट इन द वेटलैंड्स बट ओनली विथ प्रायर परमिशन. कि कुछ कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग हो गया मतलब वहां पे अगर खेती करना है, ड्रेजिंग का मतलब हो गया कि जो सिल्टिंग हो जाता है, जो नीचे कुछ जम जाता है उसको हटाने के लिए हटाया जाता है टाइम टाइम पे, उसको ड्रेजिंग बोलते हैं. परमिशन लेके ये किया जा सकता है. फिर आगे देखिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आप हमेशा न्यूज में पढ़ते होंगे, बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट कहें इसको. और ये कब इफेक्ट में आया, NGT एक्ट 2010 के द्वारा. फिर ये क्या है, इट इज फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. मतलब कि अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई केस होता है कोर्ट केस, तो उसका इफेक्टिव और जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, उसके लिए ये
ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक तरीके से कोर्ट है ये, और इसमें कोई भी अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू आता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि ताजमहल के आगे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होगी, ये एनजीटी का ऑर्डर था। फिर अगर आपको एक दो साल पहले याद हो, यमुना बैंक में आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जिसमें एनजीटी ने फाइन लगाया था 5 लाख करोड़ या समथिंग इस अमाउंट का। तो इस तरीके का काम एनजीटी का होता है। फिर एनजीटी के जो हेड हैं, पहले स्वतंत्र कुमार थे, बहुत फेमस जज थे, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जो अब रिटायर हो चुके हैं, और उनकी जगह एक नए हेड आए हैं। तो वो आप मुझे हेड का क्या नाम है कमेंट करके बताएंगे कि एनजीटी के हेड कौन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करेंगे। साथ में देखिए, ये इंडिया इज थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल फ्लेज्ड ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जिसने एक स्वतंत्र रूप से एक ऐसी ट्रिब्यूनल बनाई है। पहली दो कौन सी है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड एक्ट्स एंड पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, यानी कि शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।